वेलकम एवरीवन टू एडिग्नाइट एनजीओ ब्लॉग चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मदर टेरेसा भवन यानी कि गर्ल्स हॉस्टल के रूम्स कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू है रूम नंबर 211 से। ओके, तो ये रूम नंबर 211 है और ये एंट्री गेट है एक रूम का, ठीक है। देन अभी हम लोग एंट्री गेट पे हम लोग रूम में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टडी टेबल है। ओके, स्टडी टेबल जो कि बहुत ही सही स्टडी टेबल है जिसमें हमें एक अटैच्ड पेन स्टैंड मिलता है एंड दो शेल्फ मिलते हैं और एक बुक शेल्फ मिलता है। एंड वी ऑल्सो हैव अ ड्रॉवर। ओके, ड्रॉवर फॉर कीपिंग आवर बुक्स। एक्चुअली ये ड्रॉवर जो है वो कीबोर्ड के लिए है। एंड वी ऑल्सो हैव अ कंपार्टमेंट फॉर सीपीयू, बट हम लोग अपनी बुक्स यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, सो वी हैव दिस कंपार्टमेंट ओवर हियर। ओके, सो ये तो था हमारा स्टडी टेबल। ओके, एंड वी गेट अ चेयर ऑल्सो। ओके, एंड अभी हम लोग आते हैं कबर्ड पे। तो ये हमारा कबर्ड है एक नॉर्मल एमटीबी स्टूडेंट का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिस इज द फुल लेंथ ऑफ द कबर्ड। ओके, तो लेट मी गेट ओवर टू द कबर्ड। ये कंपार्टमेंट जनरली क्लोथ्स के लिए है। यू कैन सी अ रॉड हैंगिंग ओवर देयर। ओके, सो दिस एंड देन वी हैव अ कंपार्टमेंट अप। ओके, तो ये एक सिंगल कबर्ड है। ओके, देन वी हैव समथिंग बिलो। तो ये यहाँ पे भी यू गेट अ गुड स्पेस टू कीप योर थिंग्स। ओके, और साइड में भी हमें दो कबर्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे जनरली लोग बुक्स या फिर जो भी स्नैक्स है वो रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें तीन कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। ओके, और बहुत ही अच्छी स्पेस होती है। आई थिंक सब सामान रह जाता है। एंड देन वी गेट टू ड्रॉवर्स। ओके, तो ये एक ड्रॉवर है एंड ये दिस इज द सेकेंड ड्रॉवर। ओके, तो ड्रॉवर्स एंड वी ऑल्सो गेट अ कंपार्टमेंट बिलो। ओके, तो ये था कबर्ड के बारे में। एंड नाउ वी विल मूव टू द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड कम वाइट बोर्ड। तो ये हमारा नोटिस बोर्ड कम वाइट बोर्ड है। दिस पार्ट इज नोटिस बोर्ड। ओके, फॉर थंबप्रिंट्स। तो थंबप्रिंट्स हम लोग ला के यहाँ पे हम लोग अपने पेपर्स जो है वो नोटिस पे कर सकते। दिस इज द बुलेटिन बोर्ड एंड दिस इज द वाइट बोर्ड। ओके, और अगर हम लोग इसको उठा के अगर हम लोग इसको डिटैच करेंगे वॉल से तो इसके पीछे की साइड हमें ग्रीन बोर्ड मिलेगा। तो वी हैव अ ग्रीन बोर्ड एंड ऑन द फ्रंट साइड वी हैव नोटिस बोर्ड कम वाइट बोर्ड। देन यहाँ पे प्लग्स, दो प्लग्स के लिए दो सेक्शंस मिलेंगे। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्लग फॉर लैंड कनेक्शन। ओके, दिस इज द प्लग फॉर लैंड कनेक्शन एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, एंड फोकस इट। ओके, तो ये तो दिस इज द प्लग फॉर द लैंड कनेक्शन एंड दिस इज द स्विच फॉर इट। एंड वी हैव अ बेड। जनरली जो भी मैट्रेसेस होती है वो स्टूडेंट्स को ही अरेंज करनी रहती है। ओके, सो स्टूडेंट्स कैन अरेंज द मैट्रेसेस एंड दिस इज द बेड एंड दिस इज अवर विंडो। ओके, तो ये कर्टन्स भी स्टूडेंट को अरेंज करने पड़ते हैं। सो दिस इज द बेड एंड दिस इज ऑल्सो अ रॉड फॉर कर्टन एंड दिस इज अवर विंडो। ओके, तो विंडो भी काफ़ी सही है विथ अ मॉस्किटो नेट ओवर देयर। ओके, सो इफ आई शो यू देन दिस इज द मॉस्किटो नेट। ओके, तो ये हमारी मॉस्किटो नेट है एंड दिस इज द ग्लास विंडो। ओके, दिस इज द ग्लास विंडो। आई विल जस्ट क्लोज इट। सो आई हैव क्लोज्ड द ग्लास विंडो। सो ये तो हमारा था विंडोज़ के रिगार्डिंग एंड देन वी विल नाउ मूव टू द बालकनी। ओके, सो दिस इज़ द बालकनी। ये जो है ये जो रूम है उसकी बालकनी हॉस्टल के अंदर की साइड फेस करती है। सो दिस इज़ अवर हॉस्टल। ओके, विल ऑल्सो हैव वन वीडियो ऑन गर्ल्स हॉस्टल टूर। ओके, एंड दिस इज़ फॉर ड्राइंग अवर क्लोथ्स। ओके, वी हैव अ गुड सेपरेट स्टैंड फॉर ड्राइंग अवर क्लोथ्स एंड वी हैव अ बिग बालकनी। ओके, तो आप लोग जैसे देख सकते हैं हमारी बालकनी, वी हैव अ गुड
बालकनी ओवर हियर, तो फैसिलिटीज़ वाइज ये बहुत ही अच्छा रूम है, राइट। एंड एट लास्ट आई विल शो यू द स्विचेस। ओके, सो देयर वी हैव द स्विच बोर्ड एंड हियर ऑल्सो वी हैव स्विच बोर्ड विथ स्पेस फॉर टू प्लग्स ओवर देयर। ओके, और ये तो है पूरा जो मदर टेरेसा का रूम, ओके, मदर टेरेसा पवन का रूम। सो दैट इज द एंट्रेंस एंड जस्ट नाउ आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द बालकनी। ओके, सो दिस इज द फुल एम्प्टी बी रूम एंड आई लेट मी जस्ट गो आउटसाइड एंड शो यू द फुल रूम। ओके ओके, सो हैव अ लास्ट ग्लांस एट द एम्प्टी बी रूम, एम्प्टी बी गर्ल्स हॉस्टल रूम। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जहाँ पे हम लोग पूरी गर्ल्स हॉस्टल का टूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।